आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। कोरोना की इस दूसरे लहर में जरूरतमंदों के लिए मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। इस महामारी के दौरान रमजान जैसे पाक माह में घरों के लिए राशन व इफ्तार जैसे अहम इंतजाम की जिम्मेदारी उठाते हुए रिहैब इंडिया फाउंडेशन ने बड़ी मात्रा में किट का वितरण किया है। इस किट में चावल, आटा से लेकर रमजान और घर के खाने का पूरा प्रबंध है। कुल 14 वस्तुओं को इस किट में रखा गया है। फाउंडेशन के सदस्य ने बताया कि ये क्षेत्रवार सभी जगहों पर वितरण किया जा रहा है। ऐसे लोगों के बीच इस किट को बांटा जा रहा है जो असहाय हैं, गरीब हैं और इस महामारी में चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं। पूर्णिया सिटी स्थित चिमनी बाजार में संस्था द्वारा 180 रोजेदार परिवारों को ये किट बांटा गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर संस्थान की तरफ से किट का वितरण भी किया जा रहा है। बताएं क्या चीज का वितरण किया जा रहा है यहाँ पर? ये जो वितरण है हमारे ऑल इंडिया में रिहैब इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उन लोग के लिए हर साल जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को ये ईद के आने से पहले ये रिहैब इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हम लोग एक किट का तैयारी करते हैं और किट के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उन लोग का लिस्ट बनाते हैं। उन लिस्ट के अनुसार सभी को जो जरूरतमंद है उनको हम लोग ये किट वितरण करते हैं। अच्छा, कोई लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो उन लोगों तक भी मदद पहुंचती है? जी जी, वहां तक पहुंचती है। अगर बहुत ही मजलूम है उन लोग को ईद में कोई भी अगर तकलीफ होती है या फिर जानकारी होती है उनके यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग खुद से वहां पर हम लोग व्यवस्था करके वहां भिजवा देते हैं। बताएं किस चीज़ का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है? रिहैब इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हम लोग हर साल जो मजलूम लोग हैं जिसको खाने में दिक्कत होता है, उसका रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार है, जिसका औलाद नहीं है या मतलब पति रहते हुए भी मतलब जो बेबस है, पैर उड़ नहीं है, विकलांग है, वो सबको हम लोग हर साल ये रमजान किट देते हैं। अच्छा, तो कितने लोगों को दे रहे हैं आज आप? आज हम लोग दे रहे हैं 180 लोगों को। जी, 180 परिवार को दे रहे हैं। तो इस किट में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं? इस किट में आपका चावल है 25 केजी, चीनी है 3 केजी, प्याज है 3 केजी, आपका तेल है 1 लीटर, खजूर है 0.5 लीटर, आपका प्याज है 3 केजी, बेसन है 2 केजी, मुड़ी है 2 केजी। यानी रमजान में जितनी चीजें लगती है एक महीना का, एक महीना का हम लोग सामान देते हैं एक परिवार को, एक महीना का सामान। अच्छा, मतलब ये 180 लोगों के अलावा भी देंगे किसी को? नहीं, हर जगह बटा हुआ है, अलग अलग एरिया का। अच्छा, अलग इस क्षेत्र में 180 लोगों को दे रहे हैं? क्षेत्र में 180 को दे रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? ये चिमनी बाजार। बताएं सर आज क्या वितरण किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो रिहैब फाउंडेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसी की तरफ से यहाँ के गरीब लोगों को के बीच में रमजान रोजा का जो है वो किट बांटा जा रहा है, जिसमें चावल, आटा, प्याज, 14 आइटम है जो लोगों को दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा काम इस फाउंडेशन की वजह से, ये हर साल करती है फाउंडेशन, बहुत सा काम करती है। तो बच्चों को कभी कभी कॉपी, कलम, किताब और रमजान में के टाइम में लोगों को, गरीब लोगों के बीच में ये खाने पीने का सामान। सर आज किट में क्या क्या दिया जा रहा है लोगों को? किट में दिया जा रहा है मतलब चावल है, आटा है, उसका प्याज है, बेसन है, तेल है, चना है, सेवई भी दिया जा रहा है, खजूर दिया जा रहा है। टोटल 14 आइटम दिया जा रहा है जो रमजान से ताल्लुक, रमजान से संबंधित है। रमजान कितने लोगों को आज बांटा जा रहा है? ये टोटल 180 आदमी को इस क्षेत्र में बांटा जा रहा है। अच्छा, फाउंडेशन के अलग अलग क्षेत्र में भी? हाँ, अलग अलग क्षेत्र में भी देती है, इस जोन के लिए ये दिया है। यहाँ 180 लोगों को वितरण किया जा रहा है और इसमें रमजान अफ्तारी के ताल्लुक से जो सामान है, चावल, आटा, उसके बाद खजूर, प्याज, कुल मिला के 14 आइटम है जो नीचे से बहुत ही निम्न स्तर के गरीब लोगों को वितरण किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं किसकी तरफ से वितरण किया जा रहा है? रिहैब इंडिया फाउंडेशन एक NGO है, इनकी तरफ से वितरण किया जा रहा है। कब से ये काम कर रहे हैं? ये तो लगभग
हम लोगों के जानकारी के मुताबिक इस एरिया में लगभग 6-7 साल से ये सब वितरण किया जा रहा है। लोगों को राहत मिलती है इससे? लोगों को राहत मिलती है। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र है? ये चिमनी बाजार से। नाम बता देंगे अपना?